Hi friends, I am Bhupinder Dawood and you watching Bright Computer RSCIT class first. जैसा कि आज हमें पता है कि COVID-19 के चक्कर में हर क्लास हर स्टूडेंट की मिस हो रही है और सभी स्कूल कोचिंग्स कॉलेज सब बंद हो चुके हैं। इस कठिन समय में मैं आपका दोस्त भूपेंद्र साहू आपके लिए लेके आया हूँ RSCIT की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि RSCIT जो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित एक कोर्स है जो वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय के द्वारा इसको एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और जो RSCIT है वो राजस्थान की जितनी भी सरकारी जॉब्स ये नौकरियां हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 10th पास किया है उसी प्रकार आपने RSCIT करने के लिए उतनी कोशिश और उतनी लगन के साथ मेहनत करना होगा। RSCIT हाय फ्रेंड्स, अभी तक शायद कोई लाइव नहीं आया है, अगर आप लाइव आते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RSCIT जो एक कोर्स है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आप सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ हेलो, थैंक यू। अच्छा लिख रहा, मैंने लाइव क्लास चालू कर रखी थी, देखा ना कटी कटी आ रही यूट्यूब पर। हाँ देख तो सही रहे, आयो मैं फोटो उठ गया। अरे मम्मी तो मना कर रही है यार, बुखार आ रही है, कहीं मत जा पा। अब मार तो जब की इच्छा से यार लोग को मान कहीं। देखो लाइव क्लास देख तू, RSCIT के अंदर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। इसमें आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स दिखाई देगा,
आपको अपना कर्सर ऑल प्रोग्राम के ऊपर ले जाना है। ऑल प्रोग्राम्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया विकल्प ओपन होता है। इस लिस्ट में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नज़र आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 2007, 2003 जो भी आप यूज करते हैं वो नज़र आ जाएगा, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यहाँ पर 10 पढ़ रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 10 पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारे सामने एक होम विंडो नज़र होती है, दिखाई देती है। इसमें जो ऊपर ऊपर की एक पट्टी होती है ये किसी स्थान पर ब्लू कलर में नज़र आती है, किसी के कंप्यूटर में रेड कलर में नज़र आ सकती है, जिस पर डॉक्यूमेंट फर्स्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह से लिखा हुआ आता है। तो इसे टाइटल बार बोला जाता है मेरे मित्रों। इस बार पर जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वह नाम यहाँ पर दिखाई देता है और इस पर जो नाम आता है उस नाम से हमारी फाइल की पहचान होती है। इसके राइट साइड में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो मित्रों एंड मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी क्लास को लाइव करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि मेरी क्लास कैसी चल रही है। तो जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है और टाइटल बार जो ऊपर होती है उसके राइट साइड में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इसके जस्ट नीचे हमें एक और पट्टी दिखाई देती है जिस पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इस तरह की कमांड दिखाई देते हैं। इसे मेन्यू बार बोला जाता है। मेन्यू बार के अंदर बहुत सारी मेन्यूज होती हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट इत्यादि। इसी के नीचे एक रिबन बार होती है जिस पर जो मेन्यू होती हैं उनकी सभी कमांड्स हमें दिखाई देती हैं। इन कमांड्स को हम सब मेन्यू कहते हैं या सब कमांड भी बोलते हैं। जिस मेन्यू पे क्लिक करते हैं उस मेन्यू की सभी कमांड यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इन मेन्यू को पढ़ेंगे और इन मेन्यू में जितनी भी कमांड आएंगी हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे भी सही और लिखेंगे भी सही। तो इसके बाद जो अगली कमांड आती है वो फॉर्म के बाद जब नीचे नीचे पट्टी आती है तो उसके नीचे आता है रूलर बार। रूलर एक पैमाना होता है जो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल दो तरह से दिखाई देता है और उसके नीचे आता है हमारा वर्क एरिया जो हमें वाइट कलर में नजर आता है और राइट साइड में हमें स्क्रॉल बार नजर आता है। इसके बाद जैसे ही वर्ड की जो लास्ट मेन्यू होती है वो नीचे नीचे होती है जैसे हम स्टेटस बार बोलते हैं और स्टेटस बार के नीचे लास्ट होता है टास्क बार जिसपे स्टार्ट बटन होता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ बेसिक जानकारी हमने आपको दी। अगर आप कैसी लगी, अच्छी लगी है तो मुझे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी